आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि SBI सिक्योर OTP ऐप में रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। बस आपको रजिस्ट्रेशन शुरू करने से पहले एक बात का यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपको जितने भी यहाँ पे OTP रिसीव होंगे बैंक की तरफ से, वे सिर्फ ट्रांजैक्शन से संबंधित यहाँ पे OTP रिसीव होंगे। जैसे आप किसी के बैंक खाते में पैसा भेजते हैं तो आपको एक OTP रिसीव होता होगा, तो आपको वो OTP आप सीधे SBI सिक्योर OTP ऐप के माध्यम से रिसीव होगा। लेकिन अन्य जितने भी OTP आपको रिसीव होते हैं, जैसे लॉगिन पासवर्ड वाला OTP, वो आपको यहाँ पे SMS माध्यम से ही प्राप्त होगा। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है यहाँ पे। चलिए शुरू करते हैं इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो आपको यहाँ पे ऐप दिखाई दे रहा होगा, चलिए हम इसमें क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आपको यहाँ पे सीधे हम ऐप के इन मेन इंटरफेस में आ गए हैं, तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए पहले आपको यहाँ पे अपना इंटरनेट बैंकिंग यूज़र नेम डालना है और फिर आपको प्रोसीड बटन में क्लिक कर देना है। तो चलिए हम इतना कर देते हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा हो, मैंने यहाँ पे अपना यूज़र नेम डाल लिया, अब हम प्रोसीड बटन में क्लिक कर देंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम सीधे प्रोसीड बटन में क्लिक करने के बाद सीधे हम सीधे मैसेज वाले टैब पर आ चुके हैं। तो आपको यहाँ पर एक कोड दिखाई दे रहा होगा, तो आप इस कोड को सीधे अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से यहाँ पे इसको सेंड कर देंगे। चलिए हम इसे कर देते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने इसको यहाँ पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से इस कोड को सेंड कर दिया है। अब हमें कुछ नहीं करना, हम सीधे बैक बटन से सीधे हम बैक कर देंगे और सीधे हम अपने ऐप के मेन इंटरफेस पर पहुँच जाएंगे। चलिए हम कर देते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हम सीधे अपने ऐप के मेन इंटरफेस में हम यहाँ पे आ चुके हैं। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना है और आपको प्रोसीड बटन में क्लिक कर देना है। चलिए हम इतना कर देते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, प्रोसीड बटन में क्लिक करने के बाद हम सीधे दूसरे वाले पेज पे हम यहाँ पे आ चुके हैं। तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पे एक चेकबॉक्स दिखाई दे रहा होगा, तो आपको उसमें क्लिक करना है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने यहाँ पे चेकबॉक्स को क्लिक कर दिया। इसके बाद आपको यहाँ पे ओके वाला बटन यहाँ पे दबा देना है। चलिए हम क्लिक कर देते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे यहाँ पे OTP रिसीव हुआ है, तो हमें इस OTP को यहाँ पे डालना है और कन्फर्म वाले बटन में क्लिक कर देना है। चलिए हम इसे कर देते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हम प्रोसीड बटन में क्लिक करने के बाद हम सीधे दूसरे वाले पेज पे आ चुके हैं। अब आपको यहाँ पे अपने 4 अंकों का यहाँ पे MPIN सेट करना है। चलिए हम इसे कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने 4 अंकों को MPIN को यहाँ पे कंफर्म करना है। चलिए हम इसे भी कर लेते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे हमें एक OTP यहाँ पे हमें रिसीव हुआ है, जो कि हाई सिक्योरिटी पासवर्ड है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे पहले दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे जो डिवाइस हैज बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बाय एंटरिंग एक्टिवेशन कोड बाय ऐड इंटरनेट बैंकिंग। तो हमें अभी आपने ऊपर देखा होगा कि हमें यहाँ पे एक एक्टिवेशन कोड हमें प्राप्त हुआ है, तो हम उसको वहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग अभी मैं आपको खोल कर बताऊँगा, वहाँ पे हमें उसको एंटर करना है, तब तो हमारे यहाँ पे ये सर्विस यहाँ पे एक्टिवेट होगी। चलिए हम इसे ओके कर देते हैं यहाँ पे। तो चलिए हम सीधे अब अपने यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग वाले सीधे पेज पे चलते हैं। अब आपको यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड कैप्चा डाल के यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। चलिए हम कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, अपने यहाँ पे सफलतापूर्वक यहाँ पे हम लॉगिन हो चुके हैं अपने इंटरनेट बैंकिंग वाले पेज पे। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जब अपने इंटरनेट बैंकिंग पेज पे लॉगिन हो जाएंगे, तब आपको यहाँ पे माय अकाउंट एंड प्रोफाइल वाले पेज पे आइकन को क्लिक करना है और सीधे आप इस वाले पेज पे माय अकाउंट्स वाले पेज पे आ जाएंगे। फिर आपको यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा होगा प्रोफाइल वाला यहाँ पे आइकन, तो आपको उस पर क्लिक करना है। चलिए हम इसे क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, हम यहाँ पे माय प्रोफाइल वाले यहाँ पे पेज पे हम आ चुके हैं। अब आपको यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा होगा हाई सिक्योरिटी ऑप्शन, तो आपको इसमें क्लिक करना है। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा माय प्रोफाइल पासवर्ड, तो आपको यहाँ पे अपना प्रोफाइल पासवर्ड डालना और सबमिट वाले बटन में क्लिक कर देना है। चलिए हम इसे कर लेते हैं। हम सीधे दूसरे वाले पेज पे आ चुके हैं, जो कि है हाई सिक्योरिटी ऑप्शन वाला पेज। तो हमें इसे एक्टिवेट करने के लिए आपको दूसरे नंबर पे दिखाई दे रहा होगा एक्टिवेट सिक्योर OTP, जो अभी हमें थोड़ी देर पहले एक्टिवेशन कोड मिला है, हमें यहाँ पे वो एंटर करना है। तो चलिए हमें यहाँ पे लिखा है यहाँ पे क्लिक हियर टू एक्टिवेट सिक्योर OTP, तो हम उसमें क्लिक करेंगे। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो आपको यहाँ पे एक्टिवेशन कोड मिला है यहाँ पे आपको यहाँ वो डालना है, तो हम यहाँ पे पहले इसको ओके करेंगे। चलिए हम इसे ओके कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा प्लीज एंटर एक्टिवेशन कोड, तो आपको यहाँ पे जो एक्टिवेशन कोड यहाँ पे थोड़ी देर पहले यहाँ प्राप्त हुआ, तो आपको इसको यहाँ पे डालना, सबमिट वाले बटन क्लिक कर देना है। चलिए हम इसे एंटर करके सबमिट वाले बटन में क्लिक कर देते हैं। कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे ऑथेंटिकेशन प्रोसेस है यहाँ पे सफलतापूर्वक यहाँ पे सक्सेस हो चुका है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिख के आ रहा है मैसेज में, योर मोड ऑफ OTP ऑथेंटिकेशन फॉर इंटरनेट बैंकिंग हैज बीन चेंज्ड
टू स्टेट बैंक सिक्योर OTP सक्सेसफुली। तो अभी जितने भी हमें SMS माध्यम से OTP पहले प्राप्त होते थे, अब हम सीधे अपने सिक्योर OTP ऐप में प्राप्त होंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने ये सीखा कि SBI सिक्योर्ड OTP ऐप में पंजीकरण कैसे करते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।